हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग घर पर झटपट से एकदम से सांभर बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि मतलब सभी के घरों में रहती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीजों। तो यहाँ पर मैंने ली है अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं। ये मैंने धोकर भिगो कर रखा था आधे घंटे के लिए। और कुछ सब्जियां हैं मेरे पास, जैसे कि ये सीताफल है, कद्दू, टमाटर और थोड़े से बैंगन। साथ में मैं ले रही हूँ अदरक का पेस्ट। ये इमली का पानी है, जिसे मैंने 10 मिनट के लिए करीब गर्म पानी डाल के भिगो कर रखा था। तो इमली का पानी, सांभर मसाला और धनिया पत्ता, और कुछ मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए इनको डाल देते हैं कुकर में। तो मैंने दाल सारी डाल दी है। अब कुछ सब्जियां हैं जो मैंने काट के रखी थी, वो भी डाल रही हूँ मैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये सांभर जो है झटपट से बनके तैयार हो जाता है। आप देख ही सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम सब्जियों का प्रयोग यहाँ पर किया है। थोड़ा सा अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है और इमली का पानी। और ये सब सांभर जो है वो मैं अपने घर के मेंबर्स, जैसे कि हम 5 लोग हैं अभी, तो 5 लोगों के हिसाब से मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा सांभर मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, करीब 1.5 टीस्पून नमक, आप स्वाद अनुसार लीजिए, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ज़्यादा आप देख ही सकते हो, मैंने ज़्यादा मसाले इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा तेल हम डालेंगे, बिल्कुल 1 टीस्पून। और अब पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। पानी आप इस टाइम ज़्यादा ना डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पहले ज़्यादा पानी डाल देते तो फिर जब सीटी लगती है ना, विसल आती है, तो फिर वो पूरा निकल के आ जाता है, पूरा मतलब बर्तन भी पूरा खराब हो जाता है, गंदा होता है। तो पानी इतना ही रखिए कि हमारी सब्जी और दाल जो है इसमें अच्छे से डूब जाए। बस अब इसको ढक्कन लगा कर हम गैस पर चढ़ा देंगे धीमी आंच पर, स्लो फ्लेम पर। हम इसे करीब करीब 10 मिनट के लिए पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं और हमारा गैस जो है हमने ऑफ कर रखा था। ये देखिए कितना सुंदर बनके निकला है हमारा सांभर। दाल भी अच्छे से गल चुकी है और सब्जियां भी गल चुकी हैं। इस टाइम पे क्योंकि ये अभी गाढ़ी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पर ध्यान रखिएगा कि पानी हमेशा गर्म ही डालें, ठंडा पानी ना डालें। और मैं इसे थोड़ी देर के लिए उबाल देती हूँ। गर्म पानी डालकर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए उबाल दिया है। अब हम तैयारी कर लेते हैं तड़के। तो तड़के में मैंने लिया है साबुत लाल मिर्च, धनिया, सौंफ, सरसों, जीरा और अजवाइन, थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, हींग है। और साथ ही में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा देसी खांड, जो कि जब हमारी दाल उबल रही है उसी टाइम मैं डाल दूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। और आप देख ही रहे हैं, मैंने तेल को बहुत ही कम इस्तेमाल किया है। कई लोग क्या करते हैं, सांभर में 2 बार तड़का लगा देते हैं। तो क्योंकि मैं एक हेल्दी खाना, हेल्दी वे में से बना रही हूँ, तो मैं कम तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लगभग 2 से 3 चम्मच मैंने तेल लिए हैं यहाँ पर, अभी तेल लिया है। अब इसे अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। दाल हमारी उबल ही रही है, आप देख सकते हैं।
क्योंकि अभी मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला है, तो थोड़ा सा इसको अभी हम पकने देंगे ताकि वो मतलब कच्चापन ना रहे। वैसे तो मैंने पानी गर्म करके ही डाला। तेल हमारा गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे। पहले अच्छे से मिर्च को फ्राई कर लेंगे। मिर्च हमारी लगभग भून चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब इस टाइम पर बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूंगी। साथ ही में डालेंगे इसमें अब हम हींग। और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी क्योंकि ये तड़का है, इसे जलाना नहीं है। अब मैंने करी पत्ता भी इसमें डाल दिया, बिल्कुल एंड पे करी पत्ता को आप डालें क्योंकि नहीं तो वो बिल्कुल काली हो जाती है, जल जाती है, तो हमें जलाना नहीं। और हमारा तड़का रेडी है, तड़का लगा देते हैं। तड़का लग चुका है दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने झटपट से ये सांभर जो है तैयार किया है। बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे राइस के साथ खाइए, इडली के साथ खाइए, सांभर के साथ खाइए, जिसके साथ आपको अच्छा लगे। ये झटपट से हमारा सांभर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।